किसी यूट्यूबर की यहाँ कोई फंक्शन है, उस फंक्शन को लेकर के कुछ बातचीत चल रही है, जाने की और नहीं जाने की। इतनी भी दुश्मनी नहीं हो जाएगी, दोस्ती की गुंजाइश नहीं बची, हद पार हो गई है। व्यू और पैसे के कारण जी हम अपनी शांति से समझौता कर ले सुकून से। तो अभी मैं जा रही हूँ मूवी देखने के लिए, और आज जाने वाले थे दीदी और डैडी, लेकिन डैडी को कुछ काम आ गया तो जिस वजह से वो लोग जा नहीं पा रहे। तो यहाँ का मूवी ये कई बार देखे लेकिन मैं नहीं देखी हूँ। तो माँ बोली तुम ही लोग चले जाओ क्योंकि डैडी को अब तो कुछ काम आ गया, तो अकेले हम कैसे जाएंगे, तुम दोनों जाके देखाओ, फिर हम लोग कभी किसी और दिन चलेंगे। तो मैं फटाफट से 5 मिनट में रेडी हुई हूँ और चलती हूँ नीचे। और निकलते निकलते एक हमारा पार्सल आ गया यहाँ पे, भैया पार्सल लेके आए हुए हैं। ईयरबड होगा सर। अच्छा, इनका ईयरबड बार बार खोते ही रहता है। हम लोग आ गए यहाँ पे मूवी देखने के लिए, और यहीं पे हमारा जो है ना जमीन भी है, प्रॉपर्टी जो हमने लिया है वो यहीं पे है, और मूवी हम लोग यहीं देखने आए हैं ना। बस थोड़ा सा वहाँ वो जो घर दिख रहा है ना आपको सबसे सामने वाला, वहीं पे है हमारा जमीन। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं, और मेरा बाल पूरा हवा में खराब हो गया है। यहाँ इंतजार कर रहे हैं लिफ्ट का। तो यहाँ अंदर आ चुके हैं हम लोग, और यहाँ पे पति दीप जो है पॉपकॉर्न ले रहे हैं। हाँ, और ये है कुछ यहाँ का नजारा। तो मैं आपको यहाँ से मैं अपना उठाती हूँ जमीन। तो मूवी तो देखा हुआ हो गया जी, कैसा लगा मूवी? बहुत अच्छा था, सभी से सुना था कि मतलब ठीक ठाक है, अच्छा नहीं है, बट लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा। हमें भी अच्छा लगा जी, उसे हम इसी टाइप की मूवी अच्छी। उसे हम जो है उसे भी जी, हम शाहरुख खान के थोड़े से फैन है, तो शाहरुख खान की मूवी थोड़ी ऊपर नीचे भी हो तो मुझे अच्छी ही लगेगी। तो ऐसा ही बात है, मूवी तो खत्म हो गया। हमें तो उतना मूवी पसंद है नहीं, बट फिर भी आज हम लोग, आज दीदी डैडी आने वाले थे लेकिन उनको कुछ काम आ गया तो फिर हम दोनों को आना पड़ा। और जिया जो है कटिहार में मूवी आएंगे, और जिया जो है पहली बार आई है कटिहार के मूवी हॉल में, और ये टिकट कटा हुआ था मम्मी पापा के लिए। तो मम्मी पापा को अचानक से कुछ काम पड़ गया, उनके बदले आकर हम मूवी देखे, तो ऐसी कुछ बात है। और लिफ्ट अभी थोड़ा बिजी है, लिफ्ट जैसे ही खाली होगा हम लोग चलेंगे लिफ्ट से नीचे। हमारी जमीन है जो कि बिल्कुल यहाँ से हमें प्लॉट दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ जी। एक जमीन है, वो जो मकान देख रहे हो ना आप सामने, पता ना आपको कितना अच्छे से दिख रहा होगा, एक ही मकान, उसी मकान है, एक ही मकान है उस लाइन में। उसके बगल में हमारी जमीन है, और इधर पापा ने लिया है। ये जो मकान देख रहे हो आप, इस मकान के पीछे खाली प्लॉट है, वो पापा ने लिया है। तो अभी हम लोग मूवी देख के आ गए, और यहाँ पे पति देव को खाना है एग रोल, तो यहाँ पे वो एग रोल खा रहे हैं। तो यहाँ पे पति देव खा रहे हैं एग रोल, कैसा लगा? बिल्कुल जी, ठंड का मौसम है और इसी समय तो यह सब मजा आता है खाने में। और टेस्ट कैसा लगा? टेस्ट अच्छा लगा, और अपनी कॉलोनी के भाई साहब है, खाना तो बनता था, लेकिन ये बात नहीं कहेंगे कि मेरे अपने हैं, इसलिए हम बड़ाई कर रहे हैं। अच्छा है, टेस्ट अच्छा लगेगा तभी लोग खाते हैं, वही बात है। तो पहले भी आए हुए हैं यहाँ पर, अच्छा। दो बार आए थे, दोनों बार अच्छा लगा, तो पिछली बार फिर आए हैं। तो मेरा तो खाया हुआ हो गया जी, अब मम्मी पापा और जिया के लिए मोमोज ले रहे हैं, इन तीनों के लिए पैक करवा के लेकर के चलते हैं। और क्रियांश भी थोड़ा बहुत तो खा ही लेता है, वो भी खा लेगा। 20 minutes later तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ क्रियांश क्या है। क्रियांश कहाँ है, कहाँ बच गया तू? गुछेगा तुम, टेबल के नीचे घुसा हुआ है। जल्दी निकलो, जल्दी निकलो, जल्दी निकलो। 1 2 3 करो जल्दी, 1 2 3 ये कर क्या करता है, 1 2 3 भाग जाता है, 1 2 3 भागो, चोट नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, आराम से आराम से। वेरी गुड वेरी गुड, ये समझदार हो गया। पापा को जय कर लो, पापा को जय कर लो, जय ऊपर से जय। अब मुझे क्रियांश से कोई बचा लो, क्रियांश पिट्टी कर रहा है मुझे। 1 2 3 No. 3 मतलब एक लाठी दे देगा मुझे। A few moments later. तो क्रियांश का हो गया है मालिश है, और क्रियांश दिख रहा है कार्टून। तो अब जो कुछ ही देर में बंद हो जाएगा क्योंकि क्रियांश के सोने का समय हो गया है। और यह जो VIP है जी, यह जो ट्रॉली है, इसको हमको रखना पड़ेगा ऊपर, गोवा से जब से आए हैं ये यहीं पर है। वाह, अब बदमाशी शुरू किया क्रियांश ने, अपना कपड़ा फैलाना स्टार्ट कर दिया। The next day. तो अभी बज रहे हैं जी सुबह के 10, कुछ देर पहले ही सो करके उठे और अपने जो है काम धाम पर लग गए। और हो क्या जा रहा है जी, इधर थोड़ा काम धाम पर लग जाते हैं, सोचते हैं कि पहले काम अपना निपटा लेंगे फिर अपना नहाएंगे, और ऐसा करते करते जो है बज जाता है 3। और जब दोपहर का 3 हो जाता है तब उसके बाद घर में सभी लोग बोल देते हैं कि अब नहीं नहाना है। तो इसी वजह से जो है पिछले 3-4 दिनों से कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो आज मैं जल्दी से अपना काम निपटाऊंगा और 12 बजे करीब नहा लूंगा। अभी मॉर्निंग के
10 बज रहे हैं और मेरा बेटा जो है क्रियांश नीचे गया हुआ है। 9 बजे आज सो के उठा था और कल 11 बजे उठा था, तो अभी वो हमारे पास टाइम है, देखते हैं जब तक वो नीचे रहता है तो मैं कुछ ना कुछ काम कर लेती हूँ। और मेरा बेड देख सकते हैं अभी ठीक नहीं हुआ है, और मैंने जो कल कपड़े धोए थे ना, इतने सारे कपड़े धोए थे क्योंकि 2 दिन से मैं धो नहीं रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था ना कि मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, एकदम कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और सर्दी भी मुझे लग रहा था हो जाएगा, तो इन्होंने डांटा, तो फिर मैंने 2 दिन कपड़े नहीं धोए। और उसके बाद जो मैंने कपड़े धोए ना, कुछ ट्रिप के कपड़े थे और कुछ इन दोनों बाप बेटे के कपड़े थे। मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ देख सकते हैं ये हैं हमारे कपड़े, इसको फोल्ड करना है मुझे, सबसे मुश्किल का काम ये है मेरा। क्रियांश आ गया? नहीं 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 नहीं, मम्मा नहीं लेगी। क्रियांश आ गया? आ गया आ गया आ गया आ गया। कितना देर रहा नीचे में? दुबक क्या जाता है तुरंत? आ मम्मा पाछा। आप देख सकते हैं क्रियांश को क्या कर रहा है क्रियांश, तू ये लाठी निकाल रहा है अंदर से और घुस जाएगा। सर घुसेगा तेरा अंदर, घुसेगा अंदर तेरा सर। निकल गया, वेरी गुड। अरे टीवी बंद करो, अब बम करो, खाना खा लिया तुमने? टीवी देखने के लिए लड़का। One hour later. क्रियांश रेडी हो चुका है ना क्रियांश? उठ जा मम्मा के पास, उठ जा। क्रियांश रेडी हो चुका है, थोड़ी देर में इस क्रियांश को देखिएगा, पूरा गंदा लगा के आ जाएगा। हाँ क्रियांश, पूरा गंदा गंदा लगा के आ जाओगे। अभी रेडी हुआ है, नहाई नहाई किया है क्रियांश, मालिश हुआ है क्रियांश का? नहीं हुआ है, झूठ बोल रही है मम्मा। तो अभी हमने क्रियांश को रेडी कर दिया है, मालिश कर दिया, खाना खिला दिया, उसके बाद जूस भी पी लिया है क्रियांश ने। तो अब चलते हैं क्रियांश को दे आते हैं इसकी दादी के पास, फिर हम नहाई नहाई करेंगे। है क्रियांश, मम्मा भी नहाई नहाई करेगी क्रियांश के साथ। बोलते बोलते ना क्रियांश जैसा लैंग्वेज मेरा हो गया है। क्रियांश आ गया अपनी दादी के पास, खेलने का पूरा सामान जुट रहा है। इसका टॉय है, ये देख सकते हैं, एक ये टॉय है, एक ये टॉय है। खिलौना से तो खेलता है नहीं आपको पोता, खाली अलर वलर से खुश रहता है। ये देखिए उसको पहनाएगा, बच्चा में नेचुरल आता है। खिलौने से नहीं खेलेगा, जब तक ज्ञान रहेगा थोड़ा थोड़ा, जब बुद्धि होगा तो खिलौना। क्या कर रहा है क्रियांश? माँ देखिए इसको याद है कि दबाता था ना तो गाना जो बजता था, अभी तक दबा रहा है, उसको घुमा रहा है, इसका मुंह बंद कर दिया, फिर उसमें घिरनी घुसा दिया है। यहाँ क्रियांश को देख सकते हैं, क्रियांश अब पैर से नहीं चलता है, घुटने बल चलता है। क्रियांश कपड़ा गंदा करने के लिए घुटना से चलता है तुम? अच्छी क्या खाया, मुँह मिट्टी खा रहा है माँ। कहाँ से तुमको मिट्टी मिल भी जाता है बताओ तो? दिखा आ दिखा, आ मैं कुछ नहीं है, आ मैं दिखा, आ दिखा, आकर 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 दांत गाड़ता है। जिस चीज में इसको डर लगना चाहिए उस चीज में डर नहीं लगता है। तोरा देखी हमारा डर लगे, लेकिन तोरा डर नहीं लगे। One hour later. तो हमारा नहाना हो गया जी फाइनली, 3-4 दिन के बाद जो है एक तो मौका मिल गया कि अब जो है आज हम नहा ले अच्छे से। आपसे अच्छा मेरा बेटा है, बिना नहाए से सुकून मिलता ही। अरे नहीं, हमारा बेटा ही ना, ही नहीं सकता मेरा बेटा ही है ना, हम नहीं नहाए तो मेरे बदले वो नहा लिया, कोई बात अगर नहीं, वो नहीं नहाएगा तो सोएगा ही नहीं। बिल्कुल जी, तो कुछ ऐसा नेचर है उसका। और बाकी आप लोग देख रहे होंगे कि अचानक से साथ बैठे हैं, तो साथ बैठे हैं जी, कुछ एक टॉपिक है जिसके ऊपर बात करना पड़ेगा, और हम इस टॉपिक को हमेशा अवॉइड करते हैं, इस तरह के कभी भी नहीं छेड़ना चाहते हैं, लेकिन देख रहा हूँ कि लगातार कमेंट आ रहे हैं। और एक जो है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन डाला था जिया ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर, 30% लोगों का यही क्वेश्चन था कि आप लोग वहाँ जा रहे हो, आप क्यों नहीं जा रहे हो। कुछ लोग बोल भी रहे थे कि हाँ मत जाइएगा, एक बार जो हो चुका है फिर उसे नजरअंदाज मत कीजिए। बिल्कुल जी, तो ऐसा करके कुछ सब था समझा रहे थे। एक चीज और पता है मुझे क्या लगा, हमारे जो सब्सक्राइबर है वो बहुत कोर है, बहुत अच्छे से बिल्कुल, और बहुत बहुत ही फिक्र होती है उनको हमको लेकर के। सही में जी काफी अच्छा लगा इतनी अच्छी फैमिली पा करके। तो जी बात रही जाने की और नहीं जाने की, जी हाँ किसी यूट्यूबर की यहाँ कोई फंक्शन है, उस फंक्शन को लेकर के कुछ बातचीत चल रही है। जैसे ही वो सब तरह का कमेंट आता है तो मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, लेकिन जब वह कमेंट थोड़ा भारी संख्या में हो जाता है तब जो तो कर देते हैं, बट फिर भी लगा कि जवाब देना। बिल्कुल जी, और जैसा क्या
है कि फिर वहाँ कमेंट जो है भारी संख्या में जब आने लग जाते हैं, तो एक अंदाजा हो जाता है कि अगर इसके ऊपर अभी कुछ नहीं बोले तो आगे चलकर उस तरह का कमेंट का संख्या और भी बढ़ेगा, और शायद अगर इसके ऊपर कुछ पहले से नहीं क्लियर कर दे तो कंट्रोवर्सी हो जाए इस तरह से। तो इसीलिए मैंने जो है सोचा कि इसके ऊपर जो है जवाब देना थोड़ा सा जरूरी है, ताकि कोई बातचीत आगे नहीं बढ़े। हम किसी भी यूट्यूबर के वो क्या जी किसी भी यूट्यूबर के फंक्शन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो उससे पहले जी बस यही कहना चाहेंगे एक बात, जब आपकी दोस्ती है फिर उसके बाद अगर दुश्मनी हो रही है तो दुश्मनी इतनी ही करनी चाहिए कि दोस्ती की कोई गुंजाइश बचे। इतनी भी दुश्मनी नहीं हो जाए कि दोस्ती की गुंजाइश नहीं बचे, तो कुछ इस तरह की हद पार हो गई है जिसकी वजह से जो है अब दोस्ती मुमकिन नहीं है। हालांकि कोशिश की गई उनके तरफ से, एक दो बार हुआ है कि शॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई है, और हम लोगों ने भी सोचा था कि चलो ठीक है, बट हमारी फैमिली को बिल्कुल पसंद नहीं है जी। हालांकि बात है ऐसा कि आजकल YouTube में ऐसा कल्चर चला है कि पहले एक दूसरे के ऊपर खूब छीटा कसी कर लिया, जम के छिछालीदार कर दिया, उनकी इज्जत इनकी इज्जत पूरा मतलब क्या कुछ नहीं कर दिया गया, अच्छे दिन तक वीडियो बना, व्यू आया उसके ऊपर, फिर उसके बाद आकर के जो है सलाह कर लिया गया, उसमें भी व्यू आते हैं, उसके ऊपर भी व्यू आ जाता है। और ज्यादातर जो है यहाँ पर दोस्ती, आजकल मैं आपको बता ही था पहले ही कुछ वीडियो सब में, ज्यादातर दोस्ती यहाँ पर जो है व्यू और कोलैबोरेशन डील, बस यही दो दोस्ती रहती है। अगर दोस्ती आपसे कौन करेगा पता है, अगर आपके व्यूज आ रहे हैं तो आपसे दोस्ती सभी करेंगे, अगर व्यूज नहीं आ रहे तो नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना, तो जी अभी कुछ ऐसा हुआ है कि जब हमारे व्यूज कम आ रहे हैं तो कुछ लोग सबको मैंने देखा है कि दूर हट गए हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि यह सोशल मीडिया है, कभी कोई ऊपर जाता है कभी कोई नीचे जाता है, और जनता जनार्दन है वही किसी को अर्श पर पहुंचाती है तो किसी को फर्श पर पहुंचाती है, तो ऐसा ही कुछ है। और जब हमारा चैनल खुदा न खास्ता कभी ठीक हुआ, और फिर जो चाहेंगे कि इधर दरवाजा खुला रहेगा तो वह दरवाजा नहीं खुला रहेगा जी, हम बहुत कुछ सीखने को बिल्कुल बहुत कुछ सीखने को मिला है, जो खराब समय में साथ छोड़ सकते हैं अच्छे समय में उनका नहीं चाहिए जी, कोई भी किसी भी तरह का योगदान नहीं चाहिए उस समय हमें, तो बेसिकली यही बात है जी। और बाकी जो भी कुछ हुआ है कुछ महीने पहले उसे हम नहीं भूल सके हैं जी, इतना सब कुछ हुआ था वहाँ पर, ये बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा मैं परेशान रहा था, हमारी फैमिली ने देखा है। बात है हमारे घर का ये कल्चर नहीं है कि झगड़ा करते रहे, मतलब ये गाली गलौज ये वो हमारे घर का कल्चर नहीं है, हम बहुत शांति से रहते हैं सभी लोग। थोड़ा बहुत देखिए किसी भी फैमिली में उतार चढ़ाव आता है, लेकिन ऐसे नहीं होता है, इन्होंने ये सब चीज नहीं देखा था तो इनको कुछ ज्यादा परेशानी हुआ, और जी देखिए लेकिन इनको बहुत ज्यादा। और जी देखिए बात क्या है जी, हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से, पैसा धन दौलत सब नहीं है हम लोगों के पास ज्यादा, और एक सोशल मीडिया चैनल जो सब अभी चला रहे हैं वह भी अभी अच्छे से चल नहीं रहा है, जो सही बात है जी, इसमें कोई भी छिपाने वाली बात नहीं, सब वाली बात नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है शांति है, सुकून है, छोटी सी प्यारी सी फैमिली है, तो हम चाहते हैं इसी शांति सुकून और इसी फैमिली में रहे, इसे अपना समझौता नहीं करे, तो इसलिए हम जो है किसी भी ऐसे माहौल में जाने से बचेंगे जहां से थोड़ी सी भी गुंजाइश हो कि अशांति हो। तो यहाँ तक की बात है, उन्होंने बहुत कोशिश की, हम बोलेंगे कि बहुत अच्छा लगा जान के, उन्होंने बहुत कोशिश की कि मतलब सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन हम अगर उनके यहाँ नहीं जाएंगे तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, और अगर हम लोग जाते हैं तो हम ही लोग का फायदा, तो बिल्कुल जी फायदा होगा। कोई किसी भी यूट्यूबर के अगर आप फंक्शन में जाते हैं, किसी भी क्रिएटर के फंक्शन में जाते हैं, तो जानते हैं जी एक अच्छा व्यू मिलता है उसमें, अच्छा व्यू आएगा तो अच्छे आपके पैसे बनेंगे, तो व्यू और पैसे के कारण जी हम अपनी शांति से समझौता कर ले, सुकून से अपना जो एक आइडियोलॉजी है, अपना जो एक सिद्धांत बना करके रखा हुआ, ऐसे समझौता कर ले, तो सही नहीं लगता है जी यह, तो बस यही कहना चाहेंगे जी। बाकी आप लोग को जवाब मिल गया होगा कि हम कहीं पर जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन मुझे ऊपर वाले पे बहुत भरोसा है, अगर अभी समय अच्छा नहीं चल रहा है तो मुझे लग रहा है वो बहुत कुछ सिखा रहे हैं हमें, तुम सीखो जानो दुनिया कैसा है, क्योंकि अभी हम लोग बहुत छोटे हैं, भले देखने में लगता है कि हाँ बहुत बड़े हो गए बच्चे हो गए, लेकिन नहीं, एज में बहुत हम लोगों का अभी बहुत कम है, तो अभी बहुत कुछ सीखने का समय है, तो हम लोग बहुत सीख रहे हैं, एक समय आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं आप लोग का दिन स्वस्थ रहे, आबाद रहे, जिंदाबाद रहे, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।